देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, एमएम पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस उनवान से एक मीटिंग मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 23 हैदराबाद में मुनक्किद की गई, जिसमें मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन तेलंगाना की जानिब से इसके बारे में तफसीलात बताई गई हैं। आइए देखते हैं इसके मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौजूद नाज़रीन किराम, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज सारे मुल्क में ईवीएम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है और भारत के अवाम ये जान चुके हैं कि मौजूदा जो सरकार दो मरतबा जीत कर अन्ना ने इख्तदार को संभाला है, ये ईवीएम की हेरा फेरी के ज़रिए से इन्होंने इख्तदार हासिल किया है और इनके कई एमएलए एमपी इस बात का खुले तौर पर ये ऐलान भी किए थे कि आप बटन किसी भी जो है ना पार्टी के लिए दबाइए, वो वोट जो है ना कमल को ही पड़ेगा। तो यहाँ खुली तौर पर धांधली सीना ठोकर, जैसा कि हमारा एक हैदराबाद का मुहावरा है, चोरी सो चोरी ऊपर से सीना दोरी, तो ये काम आज हमारी भारत की बीजेपी सरकार कर रही है। तो इसके खिलाफ जम्हूरियत को बचाने के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए, जो एक ज़माने से भारत में एक तहरीक चल रही है कि मिशन दस्तूर बचाओ, तो वो तहरीक की शाख अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में वो भी काम कर रही है। तो इसी के तहत आज जो पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और दूसरे इलाकों में भी ईवीएम के ख़िलाफ़ मुसलसिल एहतजाज हो रहा है, तो अब साउथ की तरफ से अभी तक कोई जो है ना हमारे पास ऐसा एहतजाज नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, और ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि हमारे शहर और तेलंगाना के जितने भी दीनी मिल्ली समाजी तंजीमें हैं और जितने भी सोशल वर्क करने वाले हैं और सियासी जमातों के भी नुमाइंदे हैं, सब ने इस बात का तहिया किया है कि अब हम साउथ से एक यहाँ से तूफान खड़ा करेंगे और मरकजी सरकार को बताएंगे कि हम जो है ना इस ईवीएम के खुले तौर पर हम खिलाफ हैं और ईवीएम को हम जो ना रद्द करते हैं। तो इसीलिए नारा दिया गया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ दस्तूर बचाओ, और अब की बार बैलेट पेपर सरकार, ये नारा है। तो साउथ में और हैदराबाद में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब उर्दू घर मुगलपुरे में एक कुल जमाती मशावरती इजलास रखा गया है, जिसमें दीनी मिल्ली समाजी और सियासी तंजीमों को भी जो है ना मदऊ किया गया है। और उसके बाद हम रमजान शरीफ से बहुत पहले एक एहतजाजी प्रोग्राम हम तरतीब देंगे और जिसमें महमूद प्राचा साहब भी जो है ना शरीक होंगे और भी जो ईवीएम के खिलाफ जो जहदकार है उनको भी जो है ना इन्वाइट किया जा रहा है और हमारे मुल्क के दीगर जो है ना हमारे स्टेट से भी जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको भी मदऊ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज एक तारीखी रहेगा और शहर हैदराबाद से एक तूफान उठेगा। तो मैं इस प्रेस मीट के जरिए हमारे तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद के तमाम जमातों के नुमाइंदा हजरात से मैं ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि आप जुमा के दिन उर्दू घर मोहलपुरे में बाद नमाज मगरिब के तशरीफ लाइए और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपने जर्रीन मशवरों से नवाजिए। हम तमाम मिलकर एक मुत्तहदा तौर पर अब हम जो है ना एक लाहे अमल तरतीब देकर इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। और ये मीटिंग रखने का मकसद ये है, ये किसी एक तंजीम एक फरीक का काम नहीं है बल्कि तमाम भारतीयों का काम है जो सेकुलरिज्म पर जिसका इखान है, जो जमहूरियत बचाना चाहते हैं, जो दस्तूर बचाना चाहते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो है ना इंशाअल्लाह उर्दू घर मुगलपुरे में शिरकत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हम सब हजरात मौजूद कायदीन शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ एन जी ओ से ताल्लुक रखने वाले हजरात आज जमा हुए हैं और हम 16 तारीख के दिन जुमा के दिन मगरिब के बाद उर्दू घर मुगलपुरे में एक इजलास रखे हैं ईवीएम हटाओ दस्तूर बचाओ देश बचाओ। आज हम बहुत पुरशोक दौर से गुजर रहे हैं। आज मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। आज मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ते जा रही है। ऐसे हालात में 10 साल से तकरीबन ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले कई दहों से हमेशा बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ। बैलेट बॉक्स के अंदर हर शख्स फर्दन फर्दन जाकर अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करता था। आज जो ईवीएम के अंदर जो खराबियां हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी पेपरों में आए हैं, मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी हैं कि भाई आप कोई भी खटका दबा दो आप, लेकिन वोट जिसको जाना है पहुंच जाता है। जबकि ये भारत देश एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ की जम्हूरियत भी सारी दुनिया में मशहूर है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बहुत उम्दा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको जो है फंडामेंटल राइट है, हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि भाई ईवीएम में जो खराबियां पैदा हो गई हैं वो खराबियों की वजह से लोग आज ईवीएम को पसंद नहीं कर रहे हैं और शक व शुबात में मुब्तला है। ऐसे हालात में हमारा पुरजोर मुतालबा है हमारे जो है यहाँ की हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, कि भाई आप ईवीएम का खात्मा कर दीजिए आप और जो है बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हर आदमी अपना वोट दे के मुतमइन रहेगा। आज ऐसी हालत कैफियत है कि वोट देने के बाद भी लोग शक व शुबा में मुब्तला है और ये समझ रहे हैं कि कहीं हमारा वोट गलत जगह तो नहीं चले जा रहा है। ऐसे हालात में हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पूरा पूरा तहफ़ दिया गया है, फॉर दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल, बाई दी पीपुल। तो ये सबके मुतालबात को हुकूमत को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इंशाअल्लाह ताला बतारीख 15 फरवरी 16 फरवरी बरोज़े जुमा बाद नमाज मगरिब बामुकाम उर्दू घर मुगलपुरा चार मीनार के अंदर एक मीटिंग मुनाकिद की जा रही है, जिसमें खासकर मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम के मसले को लेकर के जिस तरीके से अवाम के अंदर तशवीश पाई जा रही है और पिछले एक दहे से यानी दो मर्तबा जो हिंदुस्तान की तारीख के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके मुतालिक अवाम के अंदर जो फिक्र है और अवाम खासकर ईवीएम के अंदर जो धंधालियाँ हो रही हैं इसको लेकर के बहुत ही परेशान है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचे साहब ने ये जिम्मेदारी ली है कि सारे हिंदुस्तान में इस मसले पर आवाज़ उठाए और ऐसे अहबाब, ऐसी तंजीमें, ऐसे एडवोकेट्स और सोशल वर्कर्स जो कोई भी इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं इनके साथ मिल करके इस मसले को सारे हिंदुस्तान में जो है उठाया जाए और इसके खिलाफ सब मिल करके एक आवाज़ बन करके ईवीएम को ख़त्म करके बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराने के लिए जो है कोशिश जारी है। तो इसी मकसद से शहर हैदराबाद के अंदर उर्दू घर मुगलपुरे के अंदर आने वाले जुमे को 16 तारीख के रोज़ मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी तेलंगाना में कायम हुई है उसी की जानिब से ये मीटिंग रखी जा रही है। तो मैं शकील दयानी और शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत खैरुद्दीन सूफी साहब और इसके तंजीम से जुड़े हुए दिगर अहबाब
سب کے سب مل کر کے یہ میٹنگ منعقد کر رہے ہیں۔ ہم سب جو ہے خاص کر جو ہے عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں، جو کوئی احباب اس تنظیم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور ای وی ایم کے متعلق جو تحریک سارے ہندوستان کے اندر چل رہی ہے ای وی ایم کو ہٹا کر کے بیلٹ پیپر پہ الیکشن جو کروانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے مشورات دیے جائیں گے، اور خاص کر سوشل ورکرز جو اس مسئلے میں جو ہے متحرک ہے، اور جو جو بھی احباب اس کے متعلق جو ہے ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم تمام کے تمام لوگوں سے جو ہے خاص کر جو ہے میڈیا نیوز چینل سے جو ہے اور پرنٹ میڈیا جو بھی اس کے اندر جو ہے تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم تمام کے تمام احباب سے جو ہے گزارش کر رہے ہیں کہ آنے والے جمعے کے دن ہمارے ساتھ جڑیے، اس میٹنگ کے اندر جو ہے آپ بھی شامل ہو کر کے اس کا ایک حصہ بنیے، اور اپنا اپنا قیمتی مشورہ دے کر کے آنے والے وقت میں شہر حیدرآباد کے اندر جو ایک بڑی تحریک بن کر کے ابھرنے والی ہے، ریاست تلنگانہ کے اندر جو ہے ایک ایجوٹیشن چلانے والے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ جو ہے اپنا قیمتی مشورہ دیجیے اور اس مسئلے میں جو ہے ہمارا ساتھ دیجیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہت جلد جو ہے محمود پراچے صاحب بھی جو ہے شہر حیدرآباد کا دورہ کرنے والے ہیں، تو اسی دورے کو جو ہے رکھنے کے لیے ہم آپ لوگوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ مشورہ لیں گے۔ تو میں آپ کے چینل کے ذریعے جو ہے شہر حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کی عوام کو جو ہے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے جمعے کے دن جو ہے آپ سب لوگ جو ہے اردو گھر بعد نماز مغرب پہنچیے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر ہماری ساری کی ساری ٹیم موجود رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ ہمارا ہنگامی اجلاس اور یہ مشاورتی جو پروگرام یہاں پر پریس میڈیا کے طور پر ہم نے جو کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستان کے اندر ای وی ایم مشین کو لے کر بہت ساری جو ہے احتجاجی تنظیمیں دہلی میں اور اس سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں بہت سارے دھرنے پر اور نہ جانے احتجاج میں لوگ جو ہے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ پورے ملک کی جو میڈیا ہوتی ہے وہ اس کو آج کوریج نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ای وی ایم کو ہٹانا نہیں چاہتی ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں یہ بھی کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ آپ امریکہ لیجئے یا کینیڈا لیجئے یا آسٹریلیا لیجئے یا فرانس لیجئے، جہاں کہیں بھی انتخابات جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہاں پر بیلٹ پیپر ہی استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، اسی لیے وہ لوگ بیلٹ پیپر کا استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کو صحیح انداز میں عوامی حق کا جو ہے اعتبار کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر دس سالوں کے اندر یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے سے بہت سارے گھوٹالے ہوئے، اور جو حکومتیں تخت پر نہیں بیٹھنا تھی وہ حکومتیں تخت پر بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے انانیت اور نہ جانے ہٹلری کے طور پر مسلمان ہو یا مائنارٹیز ہو، ایس سی ہو، ایس ٹی ہو، بی سی ہو، کسی بھی طبقے کے رہنے والے ہو، سب کے لیے جینا مشکل کر دیا جا رہا ہے۔ اسی کے تحت 16 تاریخ بروز جمعہ شہر حیدرآباد کے اندر مغل پورہ اردو گھر چار مینار کے دامن میں ایک جو ہے مشاورتی اجلاس رکھا گیا مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے اور آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے اور دوسرے جتنے بھی تنظیمیں ہیں، سماجی ہو، ملی ہو، سیاسی ہو، مدارس کے علماء اور حفاظ بھی اس میں ضرور تشریف لائیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے اس ملک کے شہری ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ملک کا معاملہ ہے اور ہمارے دستور کو بچانے کا معاملہ ہے، دستور کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے بہت قیمتی وہاں پر ایک جو ہے اردو گھر کے اندر پروگرام رکھنے کی کوشش اور سعی کی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کے سپورٹ کے بغیر اور تعاون کے بغیر یہ پروگرام اور اس کا جو ہے دھرنے کا اور احتجاجی پروگرام رکھنے کا منظم طریقے سے ایک پروگرام ہم رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہم ساؤتھ انڈیا کی طرف سے پورے ہندوستان کو بتانا چاہتے ہیں جو شاید یہ تاریخ رقم کر سکے۔ تو میں ہم تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ 16 تاریخ بروز جمعہ آپ تمام حضرات بعد مغرب اردو گھر مغل پورے میں تشریف لائیں اور اپنے اپنے اظہار خیالات کا اظہار فرمائیں اور قیمتی مشوروں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالعلام خان امین، مائنورٹیز ڈیولپمنٹ سوسائٹی جنرل سیکرٹری، آج یہاں پر مہدی پٹنم پر
जो प्रेस मीट लगाई गई है ये आने वाले 16 फरवरी बाद नमाज मगरिब मुगलपुरा उर्दू घर में जो एक अहम इजलास है जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे पर जो है दी गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम हैदराबाद के शहरी इसमें बढ़ चढ़ कर हाथ इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और हम सब एक चीज़ तारीख बना चुके हैं। हम मिलियन मार्च की कामयाबी जो हैदराबाद के शहरी ने दिया है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ में भी इंशाल्लाह तमाम मकतब फ़िक्र के लोग तमाम मसलक के लोग तमाम खतीब और आइमा लोग इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम में शामिल होकर इंशाल्लाह अपने कीमती ख्यालात का जो है इजहार करेंगे और हमारे मुल्क को किस तरीके से बेहतर अंदाज में जो है बैलेट बॉक्स से जो है हम अगली सरकार को ला सकते हैं उसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राबता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।